और भोपाल से बड़ी खबर है, महत्वपूर्ण खबर है, जहां पीसीसी चीफ कमलनाथ का सोशल मीडिया पर पोस्ट सामने आया है। उन्होंने लिखा है कि मां नर्मदा के संरक्षण और संवर्धन के लिए मैं वचनबद्ध हूँ। मां नर्मदा संरक्षण अधिनियम बनाने की घोषणा भी उन्होंने की। नर्मदा नदी को लेकर 2018 में भी कांग्रेस पार्टी मुखर थी, दिग्विजय सिंह ने यात्रा की थी और कमलनाथ बेहद सक्रिय थे नर्मदा नदी को लेकर, और चुनाव जीतने में बताया जाता है कि नर्मदा नदी की परिक्रमा, यात्रा इत्यादि महत्वपूर्ण बिंदु बनी थी। और अब एक बार फिर से नर्मदा संरक्षण की बात की जा रही है और मां नर्मदा संरक्षण अधिनियम लाने की भी इन्होंने घोषणा कर दी है कि हम जब सरकार में आएंगे तो ये अधिनियम लाएंगे। ये ट्वीट देख लीजिए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का, मां नर्मदा के संरक्षण और संवर्धन के लिए मैं वचनबद्ध हूं, कांग्रेस सरकार मां नर्मदा संरक्षण अधिनियम बनाएगी।